चार मई को मणिपुर में महिलाओं से बर्बरता मामले की सीबीआई ने संभाली जांच। सीबीआई ने केस रजिस्टर कर जांच की शुरुआत की। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने चूड़ाचांदपुर के राहत कैंप का दौरा किया। बोली, शांति बहाली की हर कोशिश जारी, लोग मन से निकाले डर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मैतेई समुदाय का शांति मार्च, सड़कों पर पोस्टर बैनर लेकर शांति की अपील की। 16 दलों के 21 सांसदों का मणिपुर दौरा, हिंसा प्रभावित इलाकों की जानेंगे जमीनी हकीकत। इंडिया गठबंधन के सांसद राहत शिविरों को भी करेंगे दौरा, कल इम्फाल में राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन का केंद्र सरकार पर बड़ा प्रहार, बोले मणिपुर के मुद्दे पर सरकार गंभीर नहीं। 2024 चुनाव को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का ऐलान, 38 नामों में 23 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में संजय बांदी, राधामोहन अग्रवाल, सुनील बंसल, कैलाश विजयवर्गीय बने महासचिव, बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बने रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक दिन का राजस्थान दौरा, पदाधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया, प्रगति मैदान में भारत मंडपम में बच्चों से बातचीत की प्रदर्शनी को भी देखा। अखिल भारतीय शिक्षा समागम में प्रधानमंत्री का संदेश, बोले शिक्षा के लिए संवाद जरूरी। राज्यसभा में सोमवार को आने वाले दिल्ली सरकार से जुड़े बिल को लेकर घमासान तेज, बिल पेश होने के दौरान शरद पवार की मौजूदगी पर सस्पेंस। एसपी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का बद्रीनाथ मंदिर पर बयान, बोले बौद्ध मठ को जोड़कर बनाया गया था बद्रीनाथ मंदिर। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा बयान देने से पहले स्वामी को सोचना चाहिए था। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को तेलंगाना सरकार दे सकती है सुरक्षा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री से चंद्रशेखर ने की मुलाकात। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लैंडस्लाइड, मलबा गिरने से हाईवे बंद। हिमाचल के कुल्लू में बारिश ने बिगाड़े हालात, नाले के उफान पर आने के बाद रिहायशी इलाकों और मार्केट में घुसा पानी। हिमाचल के चंबा में आफत बनी बारिश, तेज लहरों के बीच स्कूल जाते दिखे बच्चे। हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी, भूस्खलन और बाढ़ का खतरा मंडराया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लैंडस्लाइड, सड़क का 50 मीटर का हिस्सा गायब। उत्तराखंड के चमोली में आसमानी आफत का कहर, लैंडस्लाइड होने से बढ़ी मुश्किलें। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में फटा बादल, कई घरों को नुकसान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में फुटओवर ब्रिज को नुकसान, जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं लोग। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पंचगंगा रोड पर चढ़ा उपनाती नदी का पानी, खतरे को देखते हुए रास्ते को बंद किया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वर्धा नदी का तांडव जारी, पानी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात। राजस्थान के सीकर में झमाझम बारिश से तालाब बनी सड़कें, लगातार हो रही बारिश से शहर के निचले इलाकों में भरा पानी। राजस्थान के जालौर में सुकड़ी नदी की तेज धार की अनदेखी पड़ी भारी, दो बाइक सवार नदी के तेज बहाव में बह गए। मध्य प्रदेश के देवास में उपनाती नदी में बहा लड़का, लोगों ने किया रेस्क्यू। दिल्ली में लगातार बारिश की वजह से हाल बेहाल, यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार। यूपी के बागपत में भारी बारिश से गिरी जर्जर दीवार, मलबा गिरने से कार को नुकसान। यूपी के सहारनपुर में चिलकाना में जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं छात्र, बारिश से सड़कें लबालब भरी, बारिश के बाद नालों और नदियों में उफान। यूपी के बदायूं में भीम आर्मी पर टिप्पणी करने पर मचा बवाल, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर मारपीट के बाद फायरिंग का आरोप। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पानी की समस्या को लेकर बीजेपी पार्षद का अनोखा विरोध प्रदर्शन, जवाहर नगर वार्ड में कपड़े धोकर विरोध जताया। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में पंचायत चुनाव के बाद भी हिंसा जारी, टीएमसी पंचायत सदस्य को गोलियों से भूना। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समंदर में फंसे जहाज से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, 8 वैज्ञानिक समेत 36 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
मध्य प्रदेश के सतना में दिल्ली की निर्भया जैसी वारदात, नाबालिग के गैंगरेप के आरोप में दो आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मैहर गैंगरेप मामले में बड़ा एक्शन, गैंगरेप आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में पटाखा फैक्ट्री में हुआ धमाका, कई लोगों की मौत की खबर, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन। झारखंड के बोकारो में हाई टेंशन तार की चपेट में आया ताजिया, चार की मौत। दिल्ली के उस्मानपुर में नाबालिग से बेरहमी का वीडियो वायरल हुआ, क्रेन से बैटरी चुराने पर क्रेन से बांधकर भीड़ ने पीटा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में खेत से 50,000 रुपए के टमाटर चोरी हो गए, सीसीटीवी लगे होने के बावजूद टमाटर की 25 कैरेट उड़ा ले गए चोर।